छात्रों चर्चा करते हैं वैद्युत रासायनिक शिल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में, यानी अर्थात गिब्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शिल रिएक्शन। छात्रों जब कोई वैद्युत रासायनिक शिल कार्य करती है तो हमें कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि यह शिलें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। यह कार्य जो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होती है। यदि उस सेल का ईएमएफ ईशल तथा प्रवाहित आवेश एनएफ हो तो उस सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा माइनस एनएफ ईशल होगा, जहां एफ फराडे स्थिरांक है। यदि हमें मानक अवस्था में किसी सेल का सेल विभव ज्ञात है तो मानक अवस्था में हम उस सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, वहां पर एनएफ ईशल नॉट हो जाएगा।